उस व्यवस्था के संदर्भ में और कुछ जनता से हम लोग कुछ अपील भी करना चाहते थे उसके संदर्भ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 2 तारीख को होली त्यौहार मनाया जा रहा है, 1 तारीख को होलिका दहन है, 2 तारीख को होली है और गया में जैसे प्रचलन रहा है 3 तारीख को झंडा यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। इसी सिलसिले में विभिन्न स्तरों पर, अनुमंडल स्तरों पर एवं थाना स्तरों पर शांति समिति की बैठक की गई है और संबंधित संप्रदायों के प्रतिनिधियों के साथ ही बैठक की गई है। उसी सिलसिले में आज जिला स्तर पर सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि एवं जो पीस कमेटी के जो मेंबर्स हैं तथा कई पदाधिकारी ADM, SDO, SDPOs, DSPs उनके स्तर पर आज हम लोग की बैठक की गई है और उस बैठक में जो महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कशन हुए वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली होली में गया जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो पूरा त्यौहार है वो सांप्रदायिक सौहार्द में मनाया जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को न होने दिया जाए। और ये होली इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस बार होली के दिन वियतनाम के माननीय राष्ट्रपति भी आ रहे हैं गया में, उसी दिन जुमा भी पड़ रहा है और पिछले 2-3 साल में जो इनपुट मिला है होली काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से मनाई जाती रही है तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि वह प्रचलन कायम रहे। जो आज लोगों द्वारा विभिन्न सजेशंस आए और जो प्रशासन की तरफ से हम लोग निर्णय ले रहे हैं, पहला ये है कि अगले 2 दिन के अंदर सभी थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कंप्लीट कर ली जाएगी, कहीं नहीं की गई है। दूसरा, सभी पदाधिकारियों की जिला स्तर के एवं अनुमंडल और लोअर स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टियां होली खत्म होने तक कैंसिल की गई हैं, सभी लोगों को अपने स्टेशन में रहना होगा। तीसरा, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं, होली के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा कि वो खुले रहेंगे एवं वहाँ पर दवाएँ एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था मिलेंगी। नगर निगम एवं अन्य एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा इस दौरान साफ सफाई एवं पानी, पीने का पानी व्यवस्था किया जाएगा। विशेष अभियान लिया जा रहा है शराबबंदी के लिए, मद्य निषेध के लिए, ताकि होली के समय में किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना हो। लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, हम लोग रंगों के साथ ही उसको मनाएं, किसी भी सूरत में किसी भी नशीला पदार्थ या मद्य का सेवन यदि कोई करता पाया गया या ऐसा पाया जाता है कि बनाया जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है, होलिका दहन में ये पाया गया है कुछ जगहों पर होलिका दहन बिजली के तारों के नीचे अगर लगाया जाता है तो उससे काफ़ी क्षति होती है और समस्या पैदा होती है, तो उसमें भी आज लोगों को निर्देश दिया गया एवं लोगों से मेरा अपील है कि कृपया सुनिश्चित करें कि जहाँ भी आप होलिका दहन की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके ऊपर से कोई भी हाई टेंशन या बिजली का तार ना गुजरा हो या इवन कोई केबल तार भी ना गुजरा हो जिससे कि उसकी क्षति हो सकती है। एक और मटका फोड़ने का हमारे यहाँ प्रचलन रहा है, झुमका का और मटका मटका फोड़ने का, तो सबसे यह रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया मटका फोड़ने का व्यवस्था में ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर सेफ्टी का प्रिकॉशन लिया जाए और कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी अन्य संप्रदाय विशेष को के भावनाओं को ठेस पहुँचे। आज हर संप्रदाय की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि उनके द्वारा ये जो एकता का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको शांतिप्रिय तरीके से संपन्न किया जाए। अंत में कुछ समाज सेवियों द्वारा अपील किया गया जो मैं लोगों पर छोड़ता हूँ कि हरी लकड़ियाँ या ग्रीन लकड़ी न जलाया जाए, वो समाज को डिसीजन लेना है। रंगों के बारे में कुछ लोगों का अपील किया गया कि रंग, पक्का रंग या गाढ़ा रंग ना लगाएं, कम लगाएं, वो भी मैं समाज पे छोड़ता हूँ। और तीसरा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस समय में जितने भी हमारे रास्ते में बाइक सवार होते हैं या अन्य लोग होते हैं, फिर हम लोग इंश्योर करेंगे भी कि जो पूरा चेहरा अगर करके या फिर हेलमेट आ गए उस समय हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रॉपर हम लोग चेक रख सकें। लास्ट में
जो गाने चलते हैं होली के समय, उसमें लोगों से संयम बरतने के लिए अपील की जाती है और ये उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि किसी भी तरह का अश्लील गानों का प्रचार ना हो उस समय, और जो डीजे अगर होता है उसका परमिशन लेके काम करें। धन्यवाद।